अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त साइनोट्रक के शोरूम पर मौजूद हूं। इस ट्रक ने पाकिस्तान में अपनी जगह बना ली है। ये बेसिकली चाइनीज ब्रांड कंपनी है। इसमें इनके पास 10 वेरिएंट्स हैं, मुख्तलिफ हॉर्स पावर में ये ट्रक्स हैं। तो इस पर आज हम बात करते हैं। बेसिकली तो आपकी कंपनी ने 10 वेरिएंट्स लॉन्च किए हुए हैं। ज़्यादा बिकने वाला ट्रक वो कौन से साइज़ का है? इसमें रिजिड और प्राइम मूवर आता है। अब रिजिड ट्रक कैसे है कि ये ट्रक जैसे आपके पीछे खड़ा है, ये इसको बॉडी को इटसेल्फ कैरी करता है। प्राइम मूवर के ऊपर पीछे आपने देखा जैसे ऑयल टैंकर्स जिसके ऊपर बनते हैं या फ्लैट बेड ट्रॉलीज बनती हैं जो बड़े लोड को खींचने के लिए होता है। तो इस टाइम साइनो ट्रक इस टाइम माशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छी पॉपुलेशन रखता है, खासकर हमारे डंप ट्रक्स के अंदर। सी पैक के ऊपर प्रोबेबली 4500 के करीब साइनो ट्रक की पॉपुलेशन है जो 336 हॉर्स पावर के अंदर है। पाकिस्तान में और भी ट्रक्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इसने अपनी जगह बना ली है? जी सर, बिल्कुल बना ली है। 2012 से लेके अब तक जो है वो डायसन ऑटोमोबाइल्स साइनो ट्रक को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाली कंपनी है, जिन्होंने मुख्तलिफ सिटीज के अंदर पाकिस्तान इसको कवर अप किया है 3 ईयर्स डीलरशिप्स के अंदर। ट्रक्स जो आप पाकिस्तान में दे रहे हैं उसमें फीचर्स अगर हम कंपेयर करें दूसरे ट्रक कंपनी के, उसमें और इसमें फर्क क्या है? हॉर्स पावर मोस्टली सेम होती है, तकरीबन प्लस माइनस 5 का फर्क चल रहा है। लाइक अगर हीनो या इसुजू है वो दे रहा है तो उसी कैपेसिटी के अंदर हमारी भी गाड़ियां चल रही होती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ साइनो ट्रक को दूसरे ट्रक्स के साथ डिफरेंशिएट करती है वो इसकी पावर ट्रेन है। लाइक इसका इंजन गियर हिस्सा जो आप इसे कह लें ये मजबूत है, तो जहाँ पे ज़्यादा लोड कैरी करने की बात आती है और हमने प्राइस को भी उसके साथ साथ कंसिडर करना है कि हमें प्राइस ज़्यादा नहीं लेके जानी, तो वहाँ साइनो ट्रक को हम लोग इसमें पिच करते हैं। ओवरऑल चाइना के अंदर भी अगर साइनो ट्रक की प्राइस देखें तो मैं जापानीज की बात नहीं कर रहा, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट में भी सबसे ज़्यादा प्राइस में हम लोग साइनो ट्रक जा रहा है। वो भी इसी वजह से, एक दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये सीबीयू यूनिट है, ये जैसे आप यूनिट देख रहे हैं ये एज इट इज इंपोर्ट हो रहा है, इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं हमारी तरफ से होता। हम इसको सिर्फ इसकी पीडीआई करके और इसको जरा साफ करके इसकी वारंटी हम लोग यहाँ से आगे देते हैं। लेकिन अब साइनो ट्रक ने पाकिस्तान के अंदर प्लांट लगा रहे हैं और जो इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर हब चौकी कराची के अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट ईयर के अंदर जो भी असेंबली का प्लांट लग रहा है या मैन्युफैक्चरिंग का? सर असेंबलिंग, नॉर्मली इसमें भी यही होगा कि जो इंजन वगैरह की किट्स हैं वो बाहर से आती हैं, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स वगैरह वो यहीं पे असेंबल होना स्टार्ट। ये दो वेरिएंट्स जो आपके सामने हैं इस टाइम, ये राइट साइड पे है ये 220 हॉर्स पावर का प्राइम मूवर है 10 व्हील के अंदर जो आता है, और लेफ्ट पे जो है ये 260 हॉर्स पावर का 10 व्हील में आता है। इसके बाद हमारा जो सबसे लो एंड वेरिएंट आता है, मतलब सबसे छोटा वेरिएंट जो आता है वो 78 हॉर्स पावर का, ये 3.5 टन की कैपेसिटी है इसका पे लोड की। काफ़ी अच्छी इसकी रिस्पॉन्स है मार्केट में, शो इसकी ज़बरदस्त है, कुछ फीचर्स हैं, एयर प्रेशर ब्रेक के साथ आता है, चाइनीज रेडियल टायर्स हैं इसके, टायर्स नहीं लोगों को चेंज करवाने की जरूरत है, बड़ा कैबिन है इसका सर। नॉर्मली इस कैपेसिटी के अंदर जो इस टाइम पाकिस्तान में ट्रक्स आ रहे हैं उसमें ये ट्रक बड़ा है। फ्यूल टैंक आ जाता है सर इसका 200 लीटर के अंदर, आप इसका देख सकते हैं चेसिस जो है वो ऑलरेडी डबल है, 15 इंच का क्लच साइज आपको मिल जाता है। तो ये अगर आप हिली एरिया के अंदर ट्रैवल करते हैं और आपका लोड ज़्यादा होता है तो ये वहाँ पर आपको बेनिफिशियल इसका अच्छा मिल जाता है। 1 लीटर के अंदर इसका जो फ्यूल एवरेज आ रहा है वो तकरीबन 5 से 6 के अंदर हम लोग कोट कर रहे हैं। 20 फीट चेसिस है इसका, कैबिन से पीछे जो आपको वर्किंग स्पेस मिलती है, टायर्स आपको कंपनी इसके साथ दे रही है, रेडियल टायर्स दे रही है, कैबिन आपको मिल जाता है। आपको छोटे ट्रक्स को कंजेस्टेड एक लुक नहीं आती है इसके अंदर, 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर के अंदर आ जाता है, पीछे बंक आपको मिल जाता है ड्राइवर के सोने के लिए। छोटा सर डियाटो ट्रक जो है ये 12 फीट का इसका वर्किंग स्पेस आता है, 6.5-16 का इसका टायर साइज है, रेडियल टायर है, 100 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक आ जाता है आपके साथ। इसकी एवरेज जो हम कोट कर रहे हैं वो तकरीबन 8 से 10 की एवरेज इसकी आ रही है। एयर प्रेशर ब्रेक आपको मिल जाती है, एयर ओवर हाइड्रोलिक मिलता है आपको जो इस कैटेगरी की गाड़ी में नहीं आ रही। बड़ा कैबिन है इसका, नॉर्मली जो कंजेस्टेड नहीं है तो ड्राइवर अगर बिल्कुल स्टीयरिंग के ऊपर चढ़ के नहीं उसको बैठना पड़ता। डैशबोर्ड की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, एक एग्रेसिव पावरफुल लुक इसकी आ रही है। येलो रंग का बड़ा खूबसूरत सा ट्रक हमें नजर आ रहा है और उसके बाद छोटे वाले ट्रक है, इसकी क्या प्राइस है और वो छोटे वाले की क्या प्राइस है? हमारा सबसे लो एंड वेरिएंट है ये डियाटो है, 28,50,000 में इस टाइम हम ये इनवॉइस हो रहा है। तो हाईएस्ट जो हमारा जा रहा है वो इस टाइम हमारा डंप ट्रक है जो 1,70,00,000 पे कॉस्ट कर रहा है। ये जो येलो वाला? नहीं, येलो वाला जो है ये 9,750 में, 97,50,000 में इस टाइम कॉस्ट कर रहा है। सर्विस दे रहे हैं जो गाड़ियाँ खराब होती हैं या कोई मसला हो तो इधर आ जाते हैं? बिल्कुल सर, स्टेट ऑफ द आर्ट इस टाइम वर्कशॉप यहाँ पे चल रही है और इसकी हर तरह से वारंटी है। मैंने आपको बताया पावर ट्रेन जो है वो
इंजन गियर और हिस्सा इसका पावर ट्रेन जिसको हम लोग कहते हैं वारंटी के अंदर होता है। मोबाइल वर्कशॉप वैन्स हैं जो अगर रिमोट एरिया में कहीं पे ट्रक ख़राब होता है और वारंटी के अंदर होता है तो वहाँ जाके उसका ब्रेकडाउन जो है वो कवर किया जाता है। साइनो ट्रक प्राइस वाइज भी बेहतर है और क्वालिटी वाइज भी बहुत बेहतर है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें, नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।